सो अगर तुम्हें 2D एनिमेशन स्टार्ट करना है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईबुक की लिंक है, तुम वहाँ से जाके ईबुक डाउनलोड करो और वहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें बताई गई है। तो हरे कृष्णा सभी को। तो तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्रीटा पे वीडियो लेके आओ, क्रीटा पे वीडियो लेके आओ, तो आ गया मैं क्रीटा पे वीडियो लेके। और जिनको क्रीटा के बारे में नहीं पता, क्रीटा एक फ्री सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप और क्लिप स्टूडियो जैसा, जहाँ पे तुम इलस्ट्रेशन और 2D एनिमेशन वगैरह कर सकते हो और ये बिल्कुल ही फ्री है। और हाँ, मुझे क्रीटा चलाना नहीं आता, तो मैंने फिर से रेजवर्स की हेल्प ली है। और जिन्हें नहीं पता कि रेजवर्स है कौन, तो तुम इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी एनिमेशन करते हैं, क्रीटा और ओपन टून जैसे फ्री सॉफ्टवेयर से ही बहुत अच्छी एनिमेशन करते हैं और कोई भी पेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं। तो तुम इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो और फिर से वेलकम करो रेजवर्स का, ये। और हाँ, मैं भी इसी वीडियो से क्रीटा सीखने वाला हूँ, तो राधे राधे बोल के स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम रेज फ्रॉम रेजवर्स और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्रीटा सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर में आप डिजिटल ड्राइंग, इलस्ट्रेशन एंड 2D एनिमेशन भी बना सकते हो। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तुम्हारे सामने विंडो आएगी, ठीक है। यहाँ से तुम्हें न्यू फाइल फेज आ रहे हैं और इसमें सारे के सारे टेम्पलेट्स, एनिमेशन, कॉमिक डिजाइन, DSLR, टेक्चर। तो इसमें तुम्हें ये कंप्यूटर होगा, तो पहले तो आप कस्टम डॉक्यूमेंट पे ही रहो, फिर यहाँ से अपनी पेज की साइज यानी कि कैनवास की साइज जो है 3A4A5, फिर इसमें 300 pixels पर इमेज, 600 pixels पर इमेज, आपके हिसाब से आपको जो सही लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हो। बट मेरी जो डिफ़ॉल्ट है वो मैं 2048x1080 रखता हूँ और रिजोल्यूशन जो है मैं 300 रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चूज कर सकते हो और फिर आपके फाइल का नाम आएगा, आपके इमेज का नाम, और फिर यहाँ पे डेप्थ 32 BT रखना, ठीक है। फिर इसको क्रिएट कर देंगे तो हमारा ये पेज क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारी हो गई कलर पैलेट, ठीक है। यहाँ से आपको जो कलर चूज करना हो वो कलर चूज कर सकते हो। और ये हो गई हमारी लेयर्स और यहाँ पे हो गए हमारे ब्रश स्ट्रोक्स और इधर आ गए हमारे टूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट सेट टूल, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी हमारे जो ड्राइंग बनाए उसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, बट ये ओनली वेक्टर लेयर पे ही वर्क करता है, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारा टेक्स्ट टूल। तो इससे क्या है, आपको बस कुछ भी अगर आपको लिखना है तो बस उतना पार्ट सेलेक्ट करो और वहाँ पे आपको जो भी लिखना है और टाइप करो। मान लो मैंने लिख दिया क्रीटा और फिर यहाँ पे आ गया है उसकी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप रखना चाहो। मैंने यहाँ पे कॉलेक्शन में स्पॉट रखा, ठीक है। एंड फिर उसमें आ गए स्टाइल, बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ पे आ गए उसकी साइज कितना बड़ा आपको रखना है। फिर आ गया ये कलर्स, आप कलर यहाँ से भी चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहे। अगर आपको अल्फाबेट्स के अंदर ज़्यादा स्पेस रखना है तो इसको बड़ा लीजिए, और अगर कम रखना है तो इसको कम रख लीजिए, और जो भी आपका टेक्स्ट होगा फिर उसको स्केप कर लीजिए एंड क्लोज। तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट तैयार हो चुका है। और फिर आता है हमारा कैलीग्राफी टूल। तो इससे आप बेसिकली कैलीग्राफी कर, मान लो मैं मेरे चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ, तो आप इससे कैलीग्राफी कर सकते हो और इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो जो आपको जिस कलर में चेंज करना हो। या तो आपने इसको लिख लिया पर आपको इसका पूरा कलर चेंज करना है, तो फिर ये आता है हमारा एडिट शेप टूल। इससे आप जो भी आपने कैलीग्राफी की है उसको एडिट कर सकते हो जी। अगर आपको उसकी मूवमेंट चेंज करनी है, थोड़ी कम ज़्यादा करनी है, कम ज़्यादा लग रही है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है तो बस सेलेक्ट करो और यहाँ से आपको जो मन करे वो कलर सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रश टूल, इसको आप बी दबा के अवेलेबल कर सकते हो। तो ब्रश टूल में आप बेसिकली कर सकते हो कि आपको जो भी आपकी ड्राइंग है वो बना सकते हो और कलर भी फिल कर सकते हो। तो पहले तो हम बता दो, ये हमारा हो गया ग्रेडियंट्स। इसमें आपको बहुत सारे कलर के ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे और साथ में आपको अगर कस्टम कोई ग्रेडियंट कलर बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो।
मान लो मुझे यहाँ पे ब्लू ऐड करना है और यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे मेरा कस्टम ग्रेडियंट हो चुका है। और फिर आते हैं हमारे यहाँ पे टेक्सचर्स, जिसमें आप टेक्सचर्स में ड्रॉ कर सकते हो या कलर फिल कर सकते हो। ये इतने सारे हमारे हो गए टेक्सचर्स। और फिर ये हो गए हमारे कलर पैलेट, तो आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो या आपको यहाँ से भी करना है तो आप हम यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ आता है हमारा कस्टम ब्रश, जिसमें आपको मान लो अगर आपके जो ब्रश टाइल्स है उसमें आपको कोई ऐसा ब्रश नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो आप वो खुद कस्टम भी कर सकते हो। और फिर आते हैं हमारे ब्रश टाइल में हमारे इरेजर्स, ये हो गया हमारा सॉफ्ट ब्रश यानी कि स्प्रे, जो स्प्रे नहीं होता था एयर ब्रश। हाँ, और फिर आ गया हमारा पेन, तो यहाँ पे हम साइज़ को कम करेंगे, ये हो गए हमारे साइज कम ज़्यादा करेंगे। और ये हो गए हमारे ब्रश की ऑपोजिटी, जिसको अगर आप कम रखोगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, 100% रखोगे तो पूरा का पूरा अपने कलर सेलेक्ट किया पूरा का पूरा वही कलर में ड्रॉ होगा। और फिर आ रहे हैं हमारे ब्रश टाइल्स, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ब्रश पेन ब्रश, बट अगर ये ब्रश है जिसमें अगर आप कम प्रेशर में ड्रॉ करोगे तो हल्का ड्रॉ होगा, और वहीं अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ज़्यादा डार्क ड्रॉ होगा। और फिर यही हो गया हमारे जो ब्रश के स्टाइल्स है, पेंसिल हो गया, फिर जितने भी ब्रश के स्टाइल्स हैं हमारे टेक्चर वाले ब्रश हो गए, या हो गए हमारे वाटर ब्रश, वाटर कलर वाले ब्रश, या हो गए हमारे ये टेक्चर वाले ब्रश। इसे आप टेक्चर्स में ड्रॉ कर सकते हो। और फिर आता है हमारा इरेजर, तो इरेजर आपने जो ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है उसी ब्रश में इरेज होगा, मतलब उसी ब्रश स्टाइल में इरेज होगा। मान लो आपने सिंपल ब्रश स्टाइल सेलेक्ट किया है और फिर यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट करके और फिर पे कोई टेक्सचर में सेलेक्ट किया है, मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया तो आप उसी टेक्सचर में इरेज भी होगा। तो भी हमारे ऑपेसिटी या हमारे साइज ब्रश के। और फिर आते हैं हमारे ये हॉरिजॉन्टल मिरर टूल, तो इसको क्या करना है कि आप बीच में लगाओगे, मान लो आपको कोई डिज़ाइन बनानी है जो है जैसे हो दोनों साइड से, तो आप इस साइड में जो ड्रा करोगे उसी साइड में भी वही ड्रा होगा, या चारों साइड में जैसी डिज़ाइन चाहिए या कोई ऐसा फोल्ड टाइप, क्या वो नहीं होता क्या जो साड़ी में डिज़ाइंस रहती है, तो उसमें बेसिकली इसी टूल का यूज़ किया जाता है जो डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए। ये हो गए हमें जो आपको डिज़ाइन करनी है वो डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लगता है, बस एक सिंपल सी डिज़ाइन है। आप इसे एनिमेशन में भी बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको किसी कलर में ड्रॉ करना है, मान लो मैं कुछ यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये हो गया हमारे कुछ डिज़ाइन से बना ली मैंने कलर में। फिर आते हैं हमारे शेप टूल्स, जिसमें आ गए हमारा लाइन टूल, जिसमें अगर आप कुछ भी लाइन ड्रॉ करना चाहो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें भी वही है, ये हो गए हमारे ग्रेडियंट्स या कलर्स, और यहाँ पे आप जो ब्रश स्टाइल चूज करके रखोगे उसी स्टाइल में लाइन भी ड्रॉ होगी, और वैसे इन स्क्वायर है सर्कल और ये हमारे पॉलीगॉन टूल्स है इसमें भी अप्लाई होगा। तो हो गया हमारा पेन टूल में ड्रॉ, लाइन ड्रॉ हो गया। मान लो अगर आप इसको कोई टूल में ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन ब्रश टूल में भी ड्रॉ होगी। अगर इसका आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर आ गया हमारा स्क्वायर टूल, तो यह हो गया हमारा स्क्वायर टूल, पर मान लो आपको ऐसा एकदम परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो क्या करें उसके लिए, बस आपको जब आप ड्रॉ करोगे स्क्वायर तो शिफ्ट दबा के रखना है, एग्जैक्ट परफेक्ट
स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। ब्लर हो गया है पर मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो बस शिफ्ट दबाऊंगा, एग्जैक्ट स्क्वायर हो गया। बस सर्कल का भी वही है, आप इसको टेढ़ा मेढ़ा रख सकते हो या आपको एग्जैक्ट सर्कल चाहे तो बस शिफ्ट दबा और एग्जैक्ट हो गया। और इसमें भी वही फिर कलर स्टैंड ऑपेसिटी साइज और ब्रश के स्टाइल हो गए और ब्लेंडिंग मोड। फिर आ गया हमारा पॉलीगॉन, तो इसमें आप बस क्लिक क्लिक करके कर सकते हो लाइंस। और फिर आ गया हमारा कर्व टूल, इसमें आप क्या कर सकते कि क्लिक करके इसको अगर मान लो आपको ये कर्व में चाहिए लाइन, तो क्या करें बस आपको ड्रॉ करना है और फिर उसको इसे होल्ड करके मोमेंट देने है, जैसे भी आपको कर्व लाइन चाहिए ऐसे। और डबल क्लिक करोगे तो आपकी लाइन क्रिएट हो जाती है। और इसमें भी वही कलर ब्रश स्टाइल ऑपेसिटी साइज। फिर मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन टूल के बारे में। तो बेसिकली आपको अगर ये ड्राइंग का मोमेंट चेंज करना है बस कुछ पर्टिकुलर एरिया में, तो बस उसको आप सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ से सेलेक्ट आपने सिलेक्शन टूल से उसको सेलेक्ट करके उस एरिया को चेंज कर सकते हो, या ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको ट्रांसफॉर्म में भी कर सकते हो। और फिर इसी सिलेक्शन टूल में आ गए हमारे सर्कल में सिलेक्शन करने का, आ गया हमारा पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल। इसमें अगर आप क्लिक क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, मान लो अगर आपको बस ये वाला एरिया ही चेंज करना है तो बस उस एरिया को सेलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आ गया हमारा फ्री हैंड, अरे वैसे ये हमारा कलर में हो गया, ये मैग्नेटिक में हो गया, एक कर लाइन में हो गया। और फिर याद है हमारा जूम, जूम मीन जूम आउट वाला, आप यहाँ से भी कर सकते हो या आपने माउस के स्क्रोल बटन से भी कर सकते हो। और यह आ गया हमारा हैंड वाला, जिससे आप पेज को आगे पीछे अपने स्क्रीन के हिसाब से कर सकते हो, जब भी आप जूम करो तो आपको टर्न करने में दिक्कत ना हो। इसलिए हमारे ग्रेडियंट्स, जिसमें मान लो अगर आपने कुछ पार्ट को अगर कोई ग्रेडियंट कलर फिल करना हो तो बस आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लो, या आप खुद का कोई कस्टम बना लो और उसको फिल कर दो, तो वहाँ पे ग्रेडियंट कलर फिल हो जाएगा। फिर आप जैसा चाहो वैसा सेलेक्ट करके वहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। और फिर आ गया हमारा कलर फिलिंग का, जिसमें अगर आपको कोई बस एक पर्टिकुलर कलर ही सेलेक्ट करके फिल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और फिर आ गया हमारी कलर पैलेट, जिसमें आपको जो भी कलर चाहिए वो ले सकते हो। और फिर आ गए हमारे लेयर्स, तो लेयर्स में क्या है कि सबसे पहले तो ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग मोड, जिसमें अगर आपका जो भी ब्लेंडिंग मोड है इसको बाद में बता देता हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ सिंपल चीज़ें। ये हो गया हमारे लेयर को हाइड करने का आई बटन, यहाँ से आप लेयर को लॉक कर सकते हो, मतलब लॉक करने के बाद अगर आप उस लेयर पे कुछ भी करोगे वो अप्लाई नहीं होगा। और फिर आप यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हो, ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो इस प्लस आइकन से, या आपको कोई डिफरेंट लेयर्स चाहिए जैसे कोई पेंट ग्रुप नोन या वेक्टर ऐसे कोई, तो आप इस यहाँ से आप उस लेयर को ले सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट लेयर बनानी है, तो बस उस लेयर को सेलेक्ट करके ये जो कॉपी डुप्लीकेट लेयर वाला बटन है उसको सेलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट लेयर बना सकते हो। और फिर आता है ये, अगर इस लेयर को आपको ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हो, नीचे लेना है नीचे, या तो आप ड्रैग करके भी उसको नीचे या ऊपर ले सकते हो। और फिर आगे हमारा डिलीट का, अगर आप इस डिलीट का बटन का यूज़ करोगे तो पूरी लेयर डिलीट होगी। पर मान लो अगर आपको बस इस लेयर का ड्राइंग भी डिलीट करना है तो बस लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाओगे, तो और अगर आप इस डिलीट बटन का यूज़ करोगे ये जो यहाँ पे, तो पूरी के पूरी लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर आ रहे हैं हमारे लेयर की ओपेसिटी, कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा होगा हमारा ब्लेंडिंग मोड, जिसमें आप जो भी इफेक्ट देना चाहो वो दे सकते हो, पर ये दो लेयर में वर्क करता है अच्छे से। अभी हमारे एक लेयर में ड्राइंग हुई है तो दिखेगा नहीं ठीक से, ये आपको मैं
मैं भी कुछ डिजिटल ड्राइंग उसमें दिखा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर, ठीक है। तो अपने लेयर्स का यूज़ किया है वो दिखा देता हूँ। ये हो गए हमारे जो मेरे टीथ के अंदर जो शैडो डाले वो वाले लेयर, ठीक है। अरे जो कुछ लेयर्स थे ना जो मैंने ऐसे ही बस क्रिएट करके रखे थे उसमें कुछ बनाया नहीं। और ये हो गया हमारे यार शूज़ की शैडोज, इफेक्ट डाला है उसकी, और उसकी मैंने ऑपेसिटी बहुत कम रखी है ताकि वो फिर। ये हमारे हो गए शूज़ का लेंस, और ये हो गई हमारी हाईलाइट जो हमारे पैड के ऊपर जो ये हाईलाइट पड़ रही है ना वो, और ये जो हमारे जैकेट के ऊपर डिज़ाइन है वो मैंने इसी लेयर में बनाया है। और इसके लिए मैंने ब्रश यूज़ किया है, ये वाला ब्रश यूज़ किया है जिससे जो ये टेक्सचर्स है वो मैंने क्रिएट किया है। और हमारे हो गए एयरफोन्स की वायर, और फिर ये मैंने हो गई हमारे शैडो की लेयर। देख सकते हो कितना डिफरेंस दिख रहा है, जो हमारे पूरे के पूरे शैडो है उसका डिफरेंस वो ना रहे, अगर वो शैडो ना हो तो कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, और वही शैडो हो तो कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। शैडो के लिए मैंने ओवरले ब्लेंडिंग मोड का यूज़ किया है। अगर ये नॉर्मल में दिखा हो तो कुछ ऐसे शैडो के ड्राइंग की हुई है, और वही ओवरले में जैसे आपको जो अच्छा लगे उस ड्राइंग में जो अच्छा लगे वो आप ब्लेंडिंग मोड में रख सकते हो। जैसे मान लो अगर बैकग्राउंड से हाईलाइट आ पड़ रही कोई, तो उसके लिए डिवाइड ब्लेंडिंग मोड बहुत अच्छा है। और इसको हम जब फिर हो गए हमारे ड्राइंग के लेयर, जो हमारे मेन लाइन आर्ट उसके लेयर, अरे बैग और वो दोनों एक ही है का कलर, अरे मैंने सभी कलर ब्रश से फिल किए, ठीक है। इस कलर फिल का टूल का मैंने यूज़ नहीं किया, सबके सब ब्रश से ही जो हमारी ब्रशिंग ब्रश के मोड से स्टाइल से उसी से मैंने कलर फिल किया हुआ है। और हमारा मेन कलर जो मैंने मेन कलर ब्रश से फिल किए हुए हैं ये हमारे हल्के जूते, और इसमें मैंने बस ग्रुप लेयर बना ली जिसको आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ ग्रुप में जाके क्विक ग्रुप में जाओगे तो उसके अंदर ही मतलब इससे क्या होगा कि आप उस लेयर में कलर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना के। अरे हो गया हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। तो देखो आप बात है कि क्रीटा में एनिमेशन कैसे बनाए, तो उसके लिए आपको करना चाहिए कि जब आपने वो पेज इन हो ना तो वहाँ पे ऑप्शन होता है एनिमेशन टेम्पलेट्स का, आप यही से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप विंडो में जाके वर्कस्पेस में जाके यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे ये एनिमेशन की विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ये टूल बार है, और ये हमारी कलर पैलेट, लेयर्स और एनिमेशन टाइमलाइन, और यहाँ पे हमारे वो नियर स्क्रीन्स। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेनी है, ठीक है। मैंने पहले ली हुई है लेयर एनिमेशन के लिए, फ्रेम के लिए यहाँ पे एड ब्लैंक फ्रेम, तो वैसे तुम क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारी फ्रेम क्रिएट हो जाएगी, और फिर तुम अपने एनिमेशन के लिए शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपना जो भी कलर लेना है ले लो, एंड जब मैं तुम लोग को सिंपल सी बस अपनी बॉल एनिमेशन करके दिखा दाओ। और ये हमारे हो गया पहला बॉल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा 15वीं फ्रेम पे, और यहाँ से फिर से मैं एक ऐड फ्रेम करूँगा, और फिर यहाँ पे जो ये बल्ब का आइकन दिख रहा है ना ये हमारी है ऑनियन स्किन, इसको ऑन करोगे तो हमारी ऑनियन स्किन दिखेगी। और फिर मैं यहाँ पे अगली फ्रेम बनाऊंगा, तो हमारे यहाँ पे फ्रेम हो चुके हैं। मैं फिर से अब यहाँ पे 33 में जाते हैं ऐड फ्रेम करके, यहाँ पे फिर से हमारी तीसरी फ्रेम बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे
जो हमें रेड वाले ओनियन स्किन दिखती है वो हमारे होगी प्रीमियम स्प्रिमटिव है, और जो ग्रीन वाले दिख रही है वो हमारे होगी नेक्स्ट जो ये वाले प्रेम है वो स्किन, ठीक है। तो फिर अब मैं इनके इन बी पीस ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इनके बीच वाले फ्रेम्स। तो यहाँ पे मैं मिडल, इन दोनों के मिडल में न्यू फ्रेम लूँगा और वहाँ पे ड्रॉ करूँगा। हाँ, तो हमारे ये इनके बीच में भी ड्रॉ हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों के बीच में भी ऐड फ्रेम करके और वहाँ पे अपनी अगली फ्रेम ड्रॉ करूँगा। अब ऐसे ही करके मैं सारे यहाँ पे फ्रेम्स ऐड कर लूँगा। यहाँ पर ड्राइंग कम्प्लीट हो चुकी है, अब मैं इसको प्ले करूँगा। तो कलर करने में दिक्कत क्या आती है कि ब्रश से आपको कलर फिल करते वक्त बहुत ही ध्यान रख के कलर फिल करना पड़ता है। यहाँ पे मैं नई नई लूँगा, उसको नीचे रखूँगा, फिर बहुत ही ध्यान से कलर करना पड़ेगा। पहले ऑनियन स्किन को ऑफ कर लो और फिर यह हो गई हमारे कलर फिल। ऐसे आपको ध्यान से कलर फिल करना होता है ब्रश में, और वही हज़ार बकेट पेंट बकेट से कलर फिल करना है। तो सामने दिक्कत क्या आएगी कि जब भी आप फिल करने जाओगे कलर, तो ऐसा है वाइट पिक्सल छूट जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारे कलर पैलेट है ना, उसके अंदर टूल ऑप्शन है। अगर आपके इसमें नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे सेटिंग में जाओ, आप टूल ऑप्शन इसको अनेबल कर दो, ठीक है। तो करने के बाद आप यहाँ पे जो हमारा रीजन एक्सटेंट है इसको बढ़ा लोगे, तो यहाँ पे जो वाइट पिक्सल छूट रहे थे वो नहीं छूटेगा अब। तो हमारा हो गया है कलर फिल। ऐसे करके हम हर एक फ्रेम को कलर फिल करेंगे, ठीक है। तो बार बार हाईलाइट एंड शैडोज की, ठीक है। तो मैं हाईलाइट के लिए यहाँ पे ये वाला ब्रश लेंगे और फिर यहाँ पे हल्की हल्की हाईलाइट दूंगा, ये कलर लूंगा। तो हमारे यहाँ हाईलाइट डाल के हो चुकी है, तब इसको मैं ऐड करूँगा शैडोज। शैडोज के लिए थोड़ा रेड डार्क कलर यूज करूँगा मैं, एंड फिर यहाँ पे ब्रश में जाके एयर ब्रश का यूज करूँगा, इसकी साइज कर लूँगा कम, और यहाँ से मैं हर एक फ्रेम को शैडो दूंगा। तो हमारे यहाँ पे शैडो भी कम्प्लीट हो चुके हैं। अब फिर में हमारे जो नीचे वाले शैडो, जो बॉल के शैडो नीचे पड़ते हैं ना, उसको ऐड करने के लिए हम एक नया लेयर लेंगे, उसको हमारे बॉल की लेयर से नीचे रखेंगे एंड फिर हम उसको करेंगे ड्रॉप। उसके लिए लूँगा मैं पर्पल कलर, उसको थोड़ा डार्क कर लूँगा, थोड़ा ग्रेइश पर्पल लूँगा एंड सिर उसको करूँगा मैं ड्रॉ। तो यहाँ पे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जो किस इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप तुम लोग को वीडियो समझ आया होगी।
तुम क्रेटा में ऐसे एनिमेशन बना सकते हो? और क्रेटा बिल्कुल फोटोशॉप के लेवल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें तुम बहुत ही अच्छी एनिमेशन भी बना सकते हो, डिजिटल ड्राइंग्स भी बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हो। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी।